हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आए हीरोंडा के सर्विस सेंटर में, जो कि मेरे वजह से काफ़ी लेट हो चुकी थी। 7 मंथ हो चुके थे गाड़ी को लिए और मैंने कोई भी सर्विसिंग नहीं कराई थी, जो ये मेरे से गलती हो गई थी। तो प्लीज़ आप मत करना। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो आपने एंट्रेंस में तो देख ही लिया होगा मेरा एक्सप्रेशन, जो कि गर्मी की वजह से था। और अंदर आते ही एसी मिली, काफ़ी ठंडा था। और यहाँ पे क्यूट से गणपति जी थे, कि बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आप ये देख रहे हो सर्विस सेंटर, और मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी गाड़ी की सर्विसिंग होगी, जो कि 48 नंबर था मेरा फर्स्ट गाड़ी। अब देख रहे हो कि वहाँ पे मेरी गाड़ी लगी हुई है सर्विसिंग के लिए। सो वेट करते हैं, और वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन कोई गाड़ी का नंबर नहीं आया था। मुझे भूख भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, और मैं मूवी वॉच कर रही थी। सो बहुत बोर हो रहा था, क्या करें, भूख भी लग रही थी, तो सोचा चलो बाहर चल के कुछ खा लेते हैं। सो मैं बाहर आ गई, बाहर सेम वैसी ही गर्मी। सो अब देखते हैं कि क्या मिलता है खाने के लिए। मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो कह रहे थे पहले सर्विसिंग करा लेते हैं फिर खाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले खा लेते फिर सर्विस करते। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। सो फिर देख रहे थे काफ़ी जगह पे, और यहाँ पे देखिए आपको साइड में ही हीरोंडा का शोरूम दिखेगा। तो जिसको भी हीरोंडा की शोरूम से गाड़ी लेनी हो वो आ सकता है, उल्लासनगर नंबर 3 में। और मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, और मैंने कहा कि पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं फिर देखते हैं। सो मैं खाने के लिए ढूंढ रही हूँ, और कहीं मुझे कुछ भी खाना नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और आप देख रहे हो कि धूप कितनी तेज़ है मेरे फेस पे, और मेरी आंखें बार बार ब्लिंक हो रही थी। सो देखते देखते हम लोग ने एक मार्केट देखा, कि एक्सप्लोर किया, कोई आइडिया नहीं था, बट यहाँ आए जैसे देखते हुए तो हमें एक मार्केट दिखी, जहाँ की फुटवेयर्स, चप्पल, सैंडल्स, जो कि होलसेल मार्केट में मिलती है। जो भी डीलर्स होंगे जिनको भी नहीं पता होगा, या होलसेल में जिसे लेना हो, तो वो यहाँ पे आके विजिट कर सकता है, और चप्पल्स ये सब होलसेल में ले सकता है। सो हमें देखते देखते काफ़ी जगह देखे, लेकिन हमें यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सो फाइनली हम लोग एक्सप्लोर करते करते रोड पे आ गए, लेकिन हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। फिर फाइनली हमें एक छोटा सा होटल दिखा, जो कि प्यारा सा था। सो हमने एक प्यारी सी थाली ऑर्डर की, आप देख सकते हैं, और इसे हमने खाया, इन्जॉय किया। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर खाना था इनका। और फाइनली गाड़ी की सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और हमें गाड़ी मिलने ही वाली थी। सो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में करना। और आप सर्विसिंग कहाँ से कराते हो प्लीज़ बताना, और आप कंपनी से कराओगे तो बहुत अच्छा है, प्राइवेटली मत कराना, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। बाय बाय, टेक केयर, नहीं मिलते न्यू व्लॉग में।